सीआईए स्टाफ सरहिंद वालों एक अजिहे नशा तस्कर नूं काबू किया है जो झारखंड तो सस्ते भाव से अफीम लिया के पंजाब के वख-वख जिलों में महंगे भाव से सप्लाई करता सी। प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित करदिया एसपीडी फतेहगढ़ साहब दिग्विजय कपिल ने दसिया कि सीआईए स्टाफ वालों चावला चौंक नज़दीक की नाकाबंदी दौरान एक व्यक्ति को 3 किलो अफीम बरामद की गई है। उन्होंने दसिया कि पुलिस वालों जदों शक के आधार से इस व्यक्ति नूं रोक के चैकिंग की गई तो उस को 3 किलो अफीम बरामद की गई। एसपीडी दिग्विजय कपिल ने दसिया कि व्यक्ति झारखंड तो सस्ते भाव से अफीम लिया के पंजाब के वख-वख जिलों में महंगे भाव से सप्लाई करता सी। उन्हों का यह भी दसना से यह व्यक्ति यह धंधा करते हुए 1 साल तो वध का समा हो गया है। इसकी नाकाबंदी दौरान चैकिंग चल रही थी जिसे मिथिलेश कुमार रोक के चैक किया गया, उसके कोलो 3 किलो अफीम बरामद हुई जिसके चलते असी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं कि कितों लिया सी और कितने फर्दर देंदा सी या इन्हें देना सी, ये सारा तफ्तीश असी ढंगाई नाल चैक कर रहे हैं। इस तो अलावा ये पहला किन्ने मुकदमे च इनवॉल्व है ये भी असी वेरीफाई कर रहे हैं। ये पैदल सी या किदां आ रहे सी? पैदल आ रहे सी। ओके, पहला कोई मामले दर्ज? ये असी वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ते कोई इस डिस्ट्रिक्ट तो अलावा कितने होर मुकदमा दर्ज है कि नहीं, किस होर स्टेट मुकदमा दर्ज, ये सारे असी मतलब तफ्तीश असी नूं आइना देखा। किदां काबू है, कित्थों काबू कीता? यह चावला चौंक सरंद जिहड़ा सी उत्थे नाका से उत्थों इहनूं जो है काबू। पंजाब दियां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दियां खबरां लई तुसीं साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह दी लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानूं तुसीं इंस्टाग्राम दे उत्ते वी फॉलो करो। देश विदेश दी हर एक तरह दी खबर हुण तुहानूं मिलेगी सिर्फ अज दी आवाज़ दे उत्ते। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।